आज हम कल हमने ज्योमेट्री में काम किया और किस में किया था हमने काम एग्जैक्टली नंबर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पे कल हमने काम किया नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर ऑड इवन आपका नेचुरल नंबर उसके बाद हमने ज्योमेट्री में आज हम मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन योर क्वेश्चन इज वी हैव द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये आपको दिया हुआ इन द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल अगर बेस ट्राइंगल का आपका एक्सीड करता है दैट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड बाय 5 तो आपको उसका एल्टीट्यूड को आपने फाइंड आउट करना है आपका ना देखो बेस याद रखिएगा इन द बेस ऑफ ए ट्राइंगल अगर ट्राइंगल का बेस एक्सीड कर रहा है उसका एल्टीट्यूड से 5 तो आप करो 8 एक्सीड मतलब माइनस सबसे पहले आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एल्टीट्यूड को आप x सेंटीमीटर मान लेंगे और आपका बेस आपका क्या कर रहा है बेस आपका एक्सीड कर रहा है आप देखिए बेस ये देखो बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड एक्सीड का मतलब प्लस इसके एल्टीट्यूड में अगर आप 5 को प्लस कर दें तो बेस आ जाता है कहने का मतलब ये हो गया और उसका एरिया एरिया इसका आपका दिया हुआ ना दैट इज 63 सेंटीमीटर इसका 63 है ना तो देखिए फिगर हो गया यहाँ पे आप लिखिए लेट द ऊपर तो आपने शो कर ही दिया लेट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर Therefore, the base of right angle triangle is equal to x plus 5. Yeah. According to statement, जो पहले मैंने भी को clear आपको जब मैं figure बना रहा था तब देखो, the base of a triangle exceed its altitude by 5. Clear हो गया? अब आपका देखो, area of right angle triangle is equal to हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया आपको 63 और हाफ इंटू बेस इज व्हाट बेस आपका एक्स प्लस 5 और इंटू आपका कितना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 126 इसे क्या करोगे एक्स एक्स आ एक्स स्क्वायर अब ये आपका देखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 126 इज इक्वल टू 0 14 मिल जाता है अब यहां से आगे आपकी मर्जी है आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से करिए आप श्री तरह चलिए से करिए यानी कि d निकाल के करिए या आप फैक्टराइजेशन मेथड से सवाल को देख लीजिएगा आपको मार्क्स भी मिले और प्लस वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आपका आ रहा है अगर वो क्वालिटी की क्वेश्चन से नहीं कर रहे तो फिर तो यार मैं नहीं सोचता हूँ कि फिर हम गलती कर रहे हैं अब आकर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप मिडिल टर्म से देखो एक्स स्क्वायर 126 के ऐसे फैक्टर करिए तो 14 9 जा 14x 9x के देखो 14 में से 9 जाएगा प्लस का 5 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी पीछे का था माइनस साइन इज इट क्लियर जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन इन दोनों का ग्रुप इन दोनों का ग्रुप ना दो एक्स इन दोनों में बाहर आ गया एक्स बैलेंस प्लस 14 दे दिया इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज प्लस यहां भी देखो दोनों में माइनस 9 क्योंकि 9 14 का आपका होता है माइनस 9 कॉमन ले लीजिएगा एक्स प्लस 14 9 9 दोनों में कॉमन माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस देख लीजिएगा इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव सेकेंड आपका ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव आएगा और वैसे भी माइनस प्लस का माइनस माइनस सी कॉमन देखो एक्स प्लस 14 आपका और एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 8 इफ एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 यहां पे रिजल्ट क्योंकि साइन इज नेवर टेकन नेगेटिव ये लिखेंगे आप स्पेसिफिकेशन देंगे नेगेटिव का मतलब आपका बनेगी नहीं ट्राइंगल बनेगा नहीं राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा नहीं तो देखो बी इफ एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो ना एक्स इज इक्वल टू 9 तो देयरफॉर आपका देखो एल्टीट्यूड जो आपका ए बी है वो इज इक्वल आपका एक्स और इज इक्वल आपका 9 सेंटीमीटर
अगर आपको बेस क्या है, बेस अगर अगर क्या था बेस, तो देखो x प्लस फाइव है तो नाउ देखो आपका 9 प्लस आपका दिस इज 5 इज इक्वल टू 14. वैसे उसने आपका ओनली ही जस्ट आस्क अबाउट द एल्टीट्यूड बोला, लेकिन अगर आपने इसको कर लिया मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं. ठीक हो गया. सॉल्यूशन नंबर 2, द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल. मैंने वही बोला है आपको, बिल्कुल ए बी सी एक प्रेयर हॉल है आपका. देखो आप देखो इनकी स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स विथ, इट्स विथ सुना लो, इसका मतलब विड्थ को आपका आप एक्स मीटर मान लीजिएगा, तो लेंथ लेंथ देखो 3 मीटर मोर, देखो मोर मोर का मतलब प्लस, देखो 3 मीटर मोर आपका 3 मीटर, देखो 3 मीटर मोर देन विड्थ, ये देखो ये इसका मतलब लेंथ आपका नाम इज इक्वल टू विड्थ आपका एक्स प्लस. कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है सर. ओके आर यू श्योर? अब देखो इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज इतना, देखो ठीक है सुना लो, एरिया ऑफ प्रेयर हॉल आपका देखो ये रेक्टेंगल है आपका. देखो अगर फिगर आप देखेंगे दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब आपका लेंथ इनटू आपका ब्रेथ होती है. दिस 36 मीटर दिया हो इस पर, नाउ लेंथ आपका कितना है x प्लस 3 और ये आपका कितना ब्रेथ कितना है x. वो स्पेसिफिकेशन देखो आपका, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तो मैंने फिगर में दिखा दिया, वैसे आप लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ पीएच, पापा जी हल्द्वानी में है नहीं, प्रेयर हॉल है आपका, देखो ना एक्स मीटर और आपका देखो अकॉर्डिंग टू आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है देखो लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल इज इक्वल टू 3x देन द विड्थ आपका. क्लियर हो गया? अब आपका 36 x x x square और plus 3x monomial binomial positive binomial के साथ आपका multiply हो रहा है ना, दो x square plus 3x और minus 36 से बोलो. ठीक है दीदी, आप देखिए यहाँ देखिएगा इधर सर 36 मिलीलीटर में स्प्रेडिंग ही नहीं होता है, बहुत इसका मतलब कहने का 9 4 जा 9 में से 4 गया 5, 12 3 जा हुआ 12 में से 3 गया आपका ना, देखो तो 9, तो इसका मतलब ये इसमें आपका फैक्टराइजेशन मेथड मींस आपका आइडियल नहीं होती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता. अब आपके पास ना देखो इस कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक्चुअल में ही यही है, ये तो हम शॉर्टकट मारते हैं सब. सुना दो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करिए ए इज इक्वल टू 1, एक्स एक्स को कंपेयर करिएगा बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 9. तो जब आपके हाथ पांव फूल जाए ना, कि मींस जब आपका मिडिल टर्म स्प्रेडिंग नहीं हो तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बॉर्न में होता है, याद रखिए. इज इट क्लियर? सुना डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका श्रीधराचार्य मेथड है जिसको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं. डी इज इक्वल आपका देखो पी स्क्वायर का मतलब आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू 8 इनटू ई आपका देखो नाउ दिस 36, तो डी इज इक्वल दिस इज 9 माइनस माइनस का प्लस 36 144, तो डी इज इक्वल 153. ये पहला सवाल होगा आपका शायद, तो अभी 153 है तो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर जो आपका डेसिमल में आएगा आपका. अब आपका देखो कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूम्स अल्फा और बीटा जो होते हैं अलग अलग, कभी कभी एक ही जैसे दिखते हैं, प्लस 3 माइनस 3 हो गया प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, कभी कभी ऐसा हो सकता है 2 हो सकता है अगला रूट 2 भी हो सकता है, 2 हो सकता है अगला रूट 5 भी हो सकता है, ऐसा भी. तो डिस्टिंक्ट का माना अलग अलग आपका, तो यहाँ पे यूज इट अप्लाई श्रीधराचार्य एंड उमर कल्याण मेथड, कम से कम यहाँ आकर के आप ये तो सीख रहे हैं आपका
उमर खयाम सर भी थे कोई और श्री धराचार्य सर भी थे तो ना देखो x = -b ये d ओवर ना देखो टू x = -b की वैल्यू आप करना 3 प्लस माइनस d की वैल्यू आप करना 50 153 और ओवर 2 into a का मतलब x = -3 प्लस माइनस रूट 153 को फाइनलाइज करिए जरा 3 root 17 और क्लियर करिए रूट 17 में नहीं आएगा मजा 13 का होता 169 और 12 का होता है 144 तो लगभग लगभग 12.4 चेक करो जरा 3 into 4.2 आएगा 17 ओके तो ना रुकिए आपका ए टेकिंग पॉजिटिव साइन x से बढ़ दो -3 आपका प्लस 12.4 अब आई को 12.4 में से 3 को माइनस करेगा जल्दी जल्दी जी 8.4 या 9.4 9.4 फिर गड़बड़ क्यों 9.4 बाय 2 कितना आया 4.7 ओके b टेकिंग नेगेटिव साइन दूसरी बार में आपका नेगेटिव साइन लीजिएगा x = -3 -12.4 बाय 2 कितना हुआ 7 -15.44 बाय 2 कितना 7 -7.7 या करिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है नेगेटिव है आपका डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती डायमेंशन इज नेवर टेकन नेगेटिव चाहे वो आपका विड्थ हो या आपका तो देयरफॉर आपका देखना x = आपका 4.7 x इज व्हाट दिस इज द विड्थ आपका इसका मतलब लेंथ लेंथ कितनी है x प्लस 3 x का मतलब 4.7 और प्लस 3 कैसे करो 7.7 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका नाम दिस इज यहां पे विड्थ पहले लिख दीजिएगा और लेंथ तो विड्थ इज 4.7 एंड लेंथ इज आपका 7.7 तो रिजेक्ट होता है वो वैल्यू बढ़ा के वही आता है हैं ज्यादातर सर रिजेक्ट होता है जो वैल्यू बढ़ा के पॉजिटिव में आता है बराबर मीटर में था तो मीटर में इसकी कास्ट लिखना मत भूलिएगा जो पीछे से इधर के ना प्लीज